हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तक कक्षा 6 से 8 का प्रोजेक्ट कार्य 19 कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया है, विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस सारणी में हमें 3 गणितज्ञों की जानकारी लिखना है। ठीक है, यहाँ दिया है क्रमांक, गणितज्ञ का नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, शिक्षा, खोज, गणित में योगदान। जिस गणितज्ञ ने जो खोज की है उसकी जानकारी यहाँ पर लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहले क्रमांक में आर्यभट्ट, इनका जन्म दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। इन्होंने शिक्षा क्या प्राप्त की है, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय। खोज, गणित में योगदान। अंक गणित, खगोल विज्ञान, बीज गणित, सरल त्रिकोणमितीय का वर्णन। ठीक है, दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था तमिलनाडु में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये पढ़े थे। शोल्डर स्थिरांक थीटा फलन, कृत्रिम थीटा फलन, इन्होंने ये खोज की थी। तीसरा है शकुंतला देवी, इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर यहाँ से एक शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया। इन्होंने 1977 में 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज के कलम के निकाल दिया था, ये इन्होंने खोज की। ठीक है, अगला निर्देश दिया है, आप अपने माता पिता, भाई बहन आदि व अन्य संसाधनों की मदद से जानकारी पता करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, तीनों में किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ? उत्तर है आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म सबसे पहले हुआ था इन तीनों गणितज्ञों में से। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश के थे? उत्तर है इनमें से कोई नहीं, तीनों गणितज्ञों में से मध्य प्रदेश निवासी कोई नहीं था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था? उत्तर है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, और ईसवीं शताब्दी में किसका जन्म हुआ था, श्रीनिवास रामानुजन का और शकुंतला देवी का। ठीक है, तो छात्रों इस प्रकार से आप अपने पुस्तक में यह प्रश्नोत्तर लिख सकते हो। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद छात्रों।